ओके हमने अभी तक जो देखा है उसमें हमने देखा है कि टैक्सेस जो जीएसटी में है मेनली अगर मैं बात करता हूँ तो तीन तरीके के आ जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिसमें हमने ये भी देखा है कि जब हम सेम स्टेट में करते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट, जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल मतलब दो नेशन के बीच में, तो ऐसे ही इंटर स्टेट मतलब टू स्टेट्स के बीच में, जब मैं कह रहा हूँ इंट्रा स्टेट इट मीन्स सेम स्टेट में। सो जब इंटर स्टेट होता है तब हम कौन से टैक्सेस लगाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जहां यूटीजीएसटी होता है वहां यूटीजीएसटी लग जाता है। उसके अलावा अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो हम कौन सा चार्ज करते हैं, आईजीएसटी। अभी बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा टैक्स रेट है 18%, अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई करा, यहां से देखते हैं स्क्रीन पर देखते हैं थोड़ा सा, मैंने इंटर स्टेट सेल करा है मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में सेल करा है, सो मेरा क्या लगेगा चार्ज, आईजीएसटी चार्ज होगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने सेल करी है ना वो रुपीज उसकी कितनी वैल्यू थी, 1,00,000 रुपीज की थी, इस पे जीएसटी का फॉर एग्जाम्पल रेट कितना था, 5%, तो मैं क्या करूंगा आईजीएसटी चार्ज कर दूंगा 5%, किस पे, इस पे 5% चार्ज करूंगा, 1,05,000 मेरा 5,000 आ गया, तो टोटल वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1,05,000। सो कस्टमर से जो मैं पैसे लूंगा वो कितने कलेक्ट करूंगा, 1,05,000, 1,00,000 मेरी सेल वैल्यू, 5,000 रुपीज मेरे टैक्स। बात आती है जब मैं सेल कर रहा हूँ विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर सेल कर रहा हूँ, सो उस केस में मेरे पास दो टैक्स लगने होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल कितनी थी, 1,00,000, तो भाई टोटल टैक्स तो मेरा सेम लगेगा, मतलब पहले भी 5% लग रहा था आज भी 5% लगेगा, पहले 5,000 लग रहा था आज भी 5,000 लगेगा, मगर मैं क्या करूंगा उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। दो पार्ट में स्प्लिट कैसे, सीजीएसटी में मैंने 5 का हाफ कर दिया 2.5%, एसजीएसटी में कर दिया 2.5%, टोटल मिला के 5 हो गया ना। सो 1,00,000 को मैं क्या करूंगा, 2,500 और 2,500, टोटल मिला के कितना हो गया, 5,000। सो टोटल वैल्यू अभी कितनी आ गई, 1,05,000। सो टैक्स कौन सा लगा रहे हो उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट इस पे डिपेंड करता है कि मुझे टैक्स वहां पे चार्ज कौन सा करना है। एक्चुअल में क्या होता है जब सीजीएसटी एसजी होता है तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, तो ये वाला पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और जो एससीएसटी होता है वो किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसे जब मेरा आईजीएसटी होता है वहां सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है, आईजीएसटी के पास मतलब सेंट्रल के पास जाता है, वो बाद में अपने हिसाब से फिर किसको देती है, स्टेट को देती है। सो सीजीएसटी एससीएसटी में अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो डायरेक्टली मैं स्टेट और सेंट्रल को पे कर रहा हूं, वहां पे आईजीएसटी के केस में क्या है, मैं सेंट्रल को पे कर रहा हूँ और वो बाद में ट्रांसफर कर रही है किसको, स्टेट। क्लियर है ये वाली बात? देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है सीजीएसटी एससीएसटी और आईजीएसटी के बीच में, तो फुल फॉर्म है जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल, इसकी स्टेट और इसकी क्या, इंटीग्रेटेड। ये जो सीजीएसटी होता है विद इन स्टेट होता है, विद इन स्टेट होता है, ये आउटसाइड स्टेट होता है। चार्ज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसको कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और इसको भी मैंने क्या बताया आपको कौन चार्ज कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इससे ना सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स खत्म हो गया, इससे वैट वगैरह खत्म हो गया, और इससे मेरा सीएसटी खत्म हो गया। सो मतलब ये पहले के टैक्सेस हैं कि अभी किसको रिप्लेस करके ये टैक्सेस आए हैं, पहले मैंने बताया था ना ये सारे टैक्सेस होते थे, तो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा चाहिए वाला पॉइंट लास्ट वाला इतना ज्यादा प्रैक्टिकली मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ सेल्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस एग्जांपल को प्रॉपरली, और इसके बाद ये डिफरेंसेस सारे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्लास को पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है, ओके, पॉज कर लो, बाय बाय।